हेलो फ्रेंड्स, आज छुट्टी का दिन है, दिन शनिवार है, तो आज क्रिसमस भी है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई है। और आज हम जा रहे हैं थोड़ा कहीं, सुबह करीब 3 बज रहे हैं और सुबह से काफ़ी सारा काम किया है, और मतलब कुछ पेंटिंग ये सब किया है। और अभी हम जा रहे हैं कहीं, तैयार हो चुके हैं। मैं और नानी जा रही हूँ। लड्डुआ नहीं जाएगा। जाऊंगा, मेरे को आज सेंटा क्लॉज गिफ्ट दे गया। हाँ, क्या मिला है गिफ्ट? वो लेस और लेस और बर्बल बिस्कुट और बिस्किट भी मिला। अच्छा, और वो भी मिला चॉकलेट। तो रात में कुछ किए थे क्या? हाँ, मेरा सेंटा क्लॉज का ट्री खड़ा था। अच्छा, लड्डू सेंटा क्लॉज का ट्री बनाया था, अच्छे से डेकोरेट किया था। तो लड्डू उसको अपने रूम में रख दिया, और एक सॉक्स भी रखे थे ना मुझे। हाँ, मेरे चैनल पे वीडियो होगा, आर्यन संक्रम शॉर्ट्स। बाप रे, तुम्हारा भी चैनल है? फिर से नाम बताओ चैनल का। आर्यन संक्रम शॉर्ट्स। हाँ, इसका देख लीजिएगा क्या बनाया था ट्री और सेंटा क्लॉज क्या दिया है, इसको सब कुछ डाला हुआ है। तो अभी हम भी थोड़ा सा जा रहे हैं कहीं, बस फटाफट तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, ये मेरे रूम का हाल है, दिख रहा है? चलो, मेरे रूम का हाल सुबह से यही काम हो रहा था, पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग। अब हम निकल चुके हैं घर से बाहर और जा रहे हैं कहीं। हम जा रहे हैं, ये लड्डू जा रहा है और नानी जा रही है, तीन लोग जा रहे हैं। तो फटाफट चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पे पास में ही जाना है। ठंडा है बाहर आज, तो फिर भी मौसम काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा ठंड नहीं थी, धूप भी अच्छी थी। तो अच्छा से आज धूप में बैठ के आराम से पेंटिंग की हूँ, तो सही था। अच्छा, मास्क हटाती हूँ, अभी तो घर पे हूँ। बाप रे, दिल्ली में भी सुनने में आ रहा है ओमिक्रॉन का आतंक धीरे धीरे फैल रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई है, लोग जहाँ था घूमना स्टार्ट किए, पार्टी शार्टी हर चीज़। हम लोग भी 2 शादी अटेंड कर लिए मज़े से, लेकिन ये बच्चे साइकिल चला रहे हैं। लेकिन अब देखो क्या होता है, फिर सोचा सब खत्म, मतलब सब हो गया ठीक ठाक, फिर ये क्या पता नहीं कहाँ से निकल निकल के आता है। चलिए अभी चलते हैं। वैक्सीन से भी नहीं दिखता है? नहीं, वैक्सीन से तो बहुत बचाव होता है, हम तो दो डोज ले चुके हैं। तुम ले लिए हो? मेरा वैक्सीन नहीं आया। अच्छा, आया नहीं अभी बच्चों का? कोई बात नहीं, आ जाएगा। मेरी एक डोज। हाँ, अच्छा मम्मी लिए है? हाँ, ले लेगा सब कुछ। अच्छा लग रहा है शाम में ऐसे निकलना, थोड़ा सा रिक्शा ही नहीं मिल रहा यहाँ पर। रिक्शा हमने ले लिया है और मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है। आज पता नहीं क्या, काफ़ी लोग घूमने निकले हैं, इसलिए आज लग रहा था रिक्शा मिल ही नहीं रहा था। घर के पास कोई वीडियो बना हुआ प्लेन ना जाए, असंभव है। ये देखिए, हम आ तो गए थे इधर, लेकिन क्या हुआ कि हम कैंडल लाना मतलब भूल गए क्या पता नहीं था। पता था कि कैंडल जलाया जाता है, लेकिन हमें लगा शायद से वहीं पर मिल जाएगा, वहीं पर ख़रीद लेंगे, ऐसे हमने लिया नहीं था। तो अभी मैं गई थी थोड़ा सा
बाजार, फिर मतलब नानी को लड्डू वहीं पे छोड़कर, और वहाँ से फिर मैं लेकर आई हूँ कैंडल। बस नानी और लड्डू थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, वो देखिए दूर से ही आ रहे हैं दोनों। दिखाती हूँ अभी आपको, देखिए लड्डू कैसे तोड़ रहा है। क्या क्या सनसेट होने का सीन है, एक सीन है, कहाँ है सीन? हाँ कहाँ बोल रहा, कौन ब्लॉग ब्लॉग थोड़े ना, हाँ ब्लॉग बना होता नहीं, कुछ कहे क्या बाका तारा? हाँ अच्छा घूम के गई, तो हम बहुत बड़े दूर गए नहीं है। ये देख रहे हैं सनसेट, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लड्डू ने दिखाया कि बहुत अच्छा सीन दिख रहा है, तो उस पर रिकॉर्ड कीजिए, है ना लड्डू? अभी तो हम लोग अच्छा यहीं से तो जाना है, चलो इसी रास्ते में। हाँ घर से चलो, बनी पिता परमेश्वर से दर्शन करे यीशु राजा ले। हाँ कौन कौन चीज के तू भोखले रहलू है, कौन चीज के भोखले रहलू? कोरोना में भोखले रही का कि सब ठीक हो जाए तो। हाँ, सब ठीक हो जाए तो भगवान भी रिकंडल बारे आई। हाँ चुप रहो, था हमको बोल लेने, बहुत बोलते हो। अभी आपने देखा जैसा कि नानी ने बताया कि कोरोना में हम सब बीमार थे, तो नानी ने, नानी बहुत मानती हैं, तो नानी ने बोला था कि सब ठीक हो जाएंगे, सब ठीक रहा तो हम आएंगे यहाँ पे कैंडल बारने। तो हम आज आ चुके हैं कैंडल जलाने यहाँ पर, क्योंकि दिन भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो हम बस आए हैं अभी। चलिए अभी देखते हैं, फिर पहले अंदर चलते फिर यहाँ पर आएंगे।
भी हम लोग चर्च में होकर आ गए हैं, कैंडल हमने जला दिया है और पूजा भी हमने कर ली। और एक्चुअली पता है क्या, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर चर्च में, इससे पहले कभी आई नहीं थी। तो मैं अभी तक तो टीवी में जो सीरियल में मूवी में होता था वही देखती थी कि बहुत बड़ा सा चर्च होगा, शांति होगी। तो जैसा देखा था ठीक वैसा ही था, मतलब अंदर जाके बहुत शांति, एकदम कुछ बोलना नहीं, एकदम चुपचाप बैठकर जो भी आपको भगवान जी से मांगना है तो वो चीज़ें हैं वहाँ पर। तो बिल्कुल मूवी जैसा ही यहाँ पर अंदर का सीन था। तो मतलब अच्छा लगा घूम कर यहाँ पर, शांति, हाँ शांति है यहाँ पर काफ़ी। तो चलिए अभी यहीं पे पार्क है, थोड़ा सा पार्क में घूम लेते हैं फिर घर जाएंगे, क्योंकि लड्डू भी आया है तो उसके जीते हैं कि नहीं, थोड़ा सा पार्क में घूमेंगे तो थोड़ा घूम ले जाए। क्या लड्डू घूमा जाए? हाँ, स्वामी दीदी तो नहीं आई ना? हाँ वो मिस लड्डू इधर ला, पॉलिथीन में एक चीज लाया है, निकाल तो दिखा। टॉफी? हाँ देखा कितना सुंदर है गाइस, ये देखो कितना अच्छा सा। अभी मैं गई थी कैंडल लाने, वहीं पे मुझे दिख गया, बहुत प्यारा लगा, मस्त है ना। किसी को खाना है क्या? हम लोग घर जाके खाए जाएगा, स्वामी दीदी के लिए नहीं है ना, स्वामी दीदी के लिए नहीं, खाली लड्डू के लिए, स्वामी दीदी के लिए चलो घर ही खाएं। लड्डू एक्सरसाइज करने में लगा हुआ है। ये भी लग रहा आगे काफी बड़ा है, बहुत बड़ा लगा था आगे। चलो वहीं में चलेंगे क्या? नानी तो हमेशा फोटो खिंचाने के लिए खड़ी हो गई है कि फोटो खींच दो, फोटो खींच दो। हाँ फोटो खींचे के बाद खड़ा हो जाए, ये देखिए पोज मार रही है, फोटो नहीं क्या खिंचाता है, वीडियो बनाता। हाँ फूल से तो तारा गाना याद हो, कौन गाना? फूल फूल पर लिखा है तेरा नाम, बढ़िया से गावो। अरे राम गाना गा, देखिएगा नानी का गाना गाओ, बढ़िया से तनी फूल पे। अरे गाओ, हाँ जल्दी, कहाँ मोर है, कहाँ भाग जाएगा मोर है, रुक जा, उड़ गया उड़ गया उड़ गया, बहुत भारी मोर, बहुत अच्छा मोर था, उड़ गया। चल तू गाना गाओ, अब गाना यही बोलू। हाँ गाओ जल्दी, एक लाइन, एक लाइन ज्यादा ना, फूल फूल पे, फूल फूल पे लिखा है नाम, कविता ना गाना कह ले रहे, गाना कह ले रहे कविता, फूल पर लिखा है तेरा नाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, हाँ तुझे सलाम, लड्डू को सलाम है ना। इधर आइए, एक जगह पे मोर बैठा हो, कहाँ कहाँ कहाँ, इधर ये मोर था और हम इधर आ रहे हैं। तुझे ये भी बड़ा पार्क है, अच्छा शांति है, कोई नहीं है पार्क में। कहाँ इसके अंदर घुसे, भाग गया होगा कि इसके ऊपर चढ़ नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है। थोड़ा सा उधर घूम के आ गए हैं हम लोग और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। सुबह में तो ऐसा इतना अच्छा धूप था ना, धूप में तो पता नहीं चला गया, अच्छा ठंड का मौसम में मतलब अच्छा लगा धूप में काम करके। लेकिन अभी शाम होते ही ठंड बढ़ गई है और मैं वहाँ से आने के बाद थोड़ा नाश्ता वास्ता करके बैठ गई थोड़ा कुछ काम करने के लिए। मेरा काम क्या होता है, खाना बनाना, नहीं बनाती, घर की सफाई नहीं करती, वीकेंड पे कपड़े धोना वो करती हूँ लेकिन आज नहीं किया। तो अभी क्या कर रही हूँ, कोई अंदाज़ा लगा सकता है?
पक्का अभी से अभी ही बताना, अगर किसी को अंदाज़ा लगाना है वीडियो आगे स्किप नहीं करना, आप स्टॉप करना वीडियो को और उसके बाद पहले कमेंट करना कि मैं अभी क्या कर रही होंगी, ठीक है। और पक्का झूठ नहीं, कोई बाद में देखने के बाद नहीं करेगा कि अच्छा हमें पता था, देख कर फिर उसके बाद मतलब मैसेज डाल दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ईमानदारी से करना, अब मैं दिखा रही हूँ मैं कर क्या रही हूँ, और बताना कौन कौन अपने जो है ना कमेंट्स पे सच्ची सच्ची मतलब वो हुआ है, किसने गैस अच्छा किया। देखो मैं बैठ गई हूँ पेंटिंग करने, दिख रहा है, ये है मेरी पेंटिंग, बैठ गई हूँ, सारा अपना सेटअप लगा लिया है मैंने, मतलब क्या लाइट वेट लगा के आराम से बैठी हूँ। अब मेरे को ये पूरा दुपट्टा है ये कंप्लीट करने का सोच रही हूँ कि जितना हो सका करूँगी। तो चलिए ये दिखाती हूँ और आपको। सो गाइस ये देखिए बुच्चीफा अपना पेंटिंग कर रही हैं, साथ ही साथ अरे बहुत ठंड हो गया पता है, वीडियो भी बना रही हैं, ये भाई ज़्यादा ठंड हो गया है। ठंड तो लग ही दिख ही रहा है कितना ठंड हो गया है। रिकॉर्डिंग में गंदा सा नहीं पहन सकते, पेंटिंग चल रहा है, ये तो इनके चैनल पे वीडियो मिल ही जाएगा पेंटिंग का, लेकिन थोड़ा इंतजार के बाद मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा पहले दिख गया झलक, एक झलक इनका कलर कितने दिन में कंप्लीट होगा। आर्टिस्ट लोगों का कलर प्लेट कैसा होता है देखिए, साफ करने का टाइम नहीं मिलता। आज से कितना साल पहले साफ की थी याद नहीं है। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये अपना बाल बॉय कट कटवा ले बॉय कट हाँ अच्छा टकलू कट नहीं, अगर कोई कमेंट कर दिया हाँ तब तो ये कटवा लेंगी। अब तुम्हें अपने चैनल से कर दोगे आपको पता है हम मेरा कोई चैनल नहीं है, हम नहीं करेंगे हाँ पता है हम कटवा ले रहे अपना बाल, कटवा ले कटवा लो। एक तो आपको ऐसे देख के आपका पुराना फोटो याद आता है। मेरा कौन सा फोटो तुमको अरे रहने दीजिए, कभी आप अपना पुराना फोटो एक्सपोज करिएगा ना तब। कौन सा फोटो हाल फिलहाल कहीं देखकर नहीं अभी आपके फोटो में पता है क्या होता है, पहले जैसा ही बाल है थोड़ा पिंक लिपस्टिक काजल ऐसी रहती थी पहले भी वही फोटो, तो अब कैसे रहते हैं, अभी तो वैसे ही रहते हैं। हाँ तो अभी वैसे ही तो रह रही है सलीम। हाँ तो वही तो कह रहे हैं अभी आपको देख के पुराना फोटो याद आ जाता है। अच्छा मतलब मेरा बाल को देखकर और तुम्हारा ऐसे देखकर, बीच में थोड़ी चेंज हो गई थी ना। कहाँ चेंज हुई थी? हो गई थी लंबे बाल। हाँ फिर जब बाल छोटा करवा ली। अच्छा तुम हमको भूल गई थी क्या? अपना कभी देख रही है कितना बकवास कर रही है, सब झूठ बोल रही है अपना कभी पुराना फोटोशॉप शेयर करिएगा तब पता चलेगा कितना झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें निकाल के देखा ना ये कौन से फोटो की तुम बोल रही हो। हम तो फोटो दिखाई देंगे कैसी गाइस, पता है पहले एकदम काली सी पिंक लिपस्टिक लगा लेती थी, काजल लगा लेती थी, यही वाला काजल और पहले ये और सूट पहन लेती थी, देखिएगा कैसी लगती थी। मैं आपको दिखाऊंगी इनकी फोटो। अब वो बीच में आया है, टेढ़ा भाग गया है, आया है बीच में ना पक्का से। हाँ अरे लड्डू थोड़ा सा फैल गया है काट दे रुकिए आपको एक चीज दिखाई खराब कर दिया ना डाकू मंगल सिंह बना दिए। ये देखिए क्या लाया भैया देखने के लिए। पूजा ये पूरा आपके सब्सक्राइबर के पूरा अफवाह फैला रही है। क्यों सा अफवाह वाला बात बोली काली नहीं थी जो थी उन्हीं से पूछ लेते, सच सच बताइएगा आप नहीं थी क्यों
अच्छा काली। हाँ आज अभी जैसी पहले भी वैसी थी, पहले अभी और पहले में फर्क नहीं पड़ेगा क्या? हाँ तो बस बस तो बस काले थोड़े ना थे, थी। आपका फोटो दिखा देंगे तो दिखा देना दिखा देना। अच्छा कोई काला आदमी गोरा कैसे हो जाएगा ये बता दो तुम। मतलब क्या काली आपके कलर जैसी काली नहीं, तो फिर मतलब इससे थोड़ा स्किन टोन डार्क था आपका। तब उसके बाद क्या चमड़ी वो चाकू से छील दिए क्या? कोई नहीं, आपका पुराना फोटो दिखाई देंगे, चोटी में रहती थी ब्लू कलर का सूट पहन के, दिखा देंगे पूर्णिया का फोटो। तो काले थोड़े ना थे, कोई काले नहीं थे, अब तो फोटो दिखाई देंगे, दिखा देना हम भी दिखा देंगे। फ्रेंड्स ये दुपट्टा तो बहुत लंबा प्रोग्राम है और ये अभी चलने वाला है, पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा, नहीं एक साल के बाद कंप्लीट होगा, हो जाएगा जल्दी ही, और जल्दी ही आप लोगों को पूरा वीडियो भी मिल जाएगा। जिसको भी पूरा देखना चाहते हैं कि कैसे बन रहा है ये, क्या प्रोसेस है, और इनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें कि इनको बॉयकॉट कटवाना चाहिए कि नहीं। एक और चीज हम कमेंट के लिए बोले, वो लोग पहले देख लेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज और है, मेरे ख्याल से ना बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि सब्सक्राइब कैसे करना है या बेल आइकन आता कहाँ पर है, कौन सा प्रेस करना है। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना के डालेंगे, तो जिनको नहीं आता है फिर उससे सीख के जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हाँ तो चलिए बाय बाय, आज के लिए गुड नाइट, टाटा सी यू। पेंटिंग पे लग गया क्या कलर थोड़ा सा? चलिए बाय बाय, बाय बाय टाटा लो से सुनिया आटा।